हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कम स्कॉलर दिस इज़ द दंटिन्यूशन ऑन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दैट इज़ अर्निंग एय मेथड देखिए लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने देखा था कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग एल्ड बट अर्निंग एल्ड का हमने एक ही मेथड देखा था दैट इज कॉल्ड डिविडेंड आपको पता ही है कि देखिए अगर कोई शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहा है तो बेसिकली उसके दो टाइप की रिटर्न होती है एक होती है उसकी डिविडेंड और एक होती है उसके एट द टाइम ऑफ दैट इज रिडम्पशन राइट तो जो वो रिडम्पशन जो भी अमाउंट निकालेगा तो उसकी वन टाइम वन टाइम रिटर्न होगी उसकी लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो बस हमने ये देखा था कि अगर कोई इन्वेस्टर यानी जो शेयर डोलर जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो देख रहा है कि कंपनी की जो है डिविडेंड देने की पावर कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट दे आर मेकिंग इन द कंपनी राइट बट देखिए यहाँ पर जो सेकंड मेथड है देखिए आपको पता है डिविडेंड के काफ़ी सारे जो हैं डी मेट्स भी हो सकते हैं देखिए कोई कंपनी डिविडेंड कम बांटती है कोई ज़्यादा बांटती है कोई किसी कंपनी के मतलब बोल सकते हैं कि कहते हैं ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी जो है डिविडेंड जो है जो डिविडेंड जो पेबल अमाउंट होता है या जो उनका जो एक्स जो रेट होता है वो कम होता है तो ऑन बेसिस ऑफ दिटर्न तो हम इसको हम जज नहीं कर सकते कि कंपनी जो ये बेकार है ये इस कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी बहुत कम है ये तुम कह नहीं सकते तो इसलिए एक अलग मेथड आया दैट इज कॉल्ड हैल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड आपको याद होगा हमने गुडविल के चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन मेथड हमने पढ़ा था दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था हमने उसके उसमें जो कंसेप्ट पढ़ा था हमने देखा था कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है अगर उसको कोई टेक ओवर करने जा रहा है ठीक है तो उसका जो जो एक्सेस पार्ट अगर कोई रिटर्न आन करना चाह रहा है तो उसको आज कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी तो हम देखते थे कि कैपिटल ऑफ सुपर प्रॉफिट राइट तो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी जो लागत लगा रही है यानी जो कंपनी कंपनी जितनी जितनी भी जितनी भी पैसा लगा रही है उसमें कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है राइट right? हम वो पता लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये क्या है दैट इज कॉल्ड कैपिट मेथड उसका दूसरा नाम क्या है दैट इज कॉल्ड अर्निंग कैपेसिटी मेथड राइट दैट मीन्स हाउ मच बेसिकली कंपनी अर्निंग देखिए कंपनी जितना कमाएगी वो सारा किसको जाएगा शेयर होल्डर को जाएगा अल्टीमेटली तो इसलिए हम जो है यहाँ पर एक मेथड तो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड राइट तो देखिए इसको हम वैल्यूशन ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे

पहले भी 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 गिवन 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 था इस बार होगा होगा ऑफ़ ऑफ़ ये ये आपका क्या होता है डेट ऑन बेसिस इंडस्ट्री तो तो आपको आपको जो हमेशा तो इसमें कोई को दिक्कत ही नहीं है अब आपको निकालना है part, earning, कितना पैसा कमा रही है तो कंपनी किस पे कमा रही है हमने क्या पता है कि हमने जो मेथड पढ़ रहे हैं मेथड क्या है दैट अर्निंग कैपेसिटी कैपेसिटी मेथड यानी कंपनी की की कमाने की कितनी है और वो किस पे होगी ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी वो जितनी लागत लगा रहा है जितनी वो कैपिटल लगा रहे हैं उस पर उसकी कमाने की कैपेसिटी कितनी है और हम उसी की बेसिस हैं दैट इज कॉल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग एक्सपेक्टेड देखिए यहाँ पर वर्ड गया यहाँ पर यहाँ पर बढ़ाए एक्सपेक्टेड यानी कि जो का पिछले काम में आया हुआ नहीं हम वो नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग क्या होगी तो जब अर्निंग देखें तो टेक्निंग हम फ्यूचरिस्टिक हम क्या देखेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट देखेंगे तो उसका दूसरा नाम क्या हो गया एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग और डिवाइड कैसे कर रहे हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कंपनी कितना पैसा लगा रही है अपने खुद के ही बिजनेस में कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो क्या आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग राइट अब देखिए आपको पता है कि कैपिटल इनपुट हम कैसे निकालते हैं देखिए कैपिटल इनपुट का अगर बात करें तो बेसिक मीनिंग क्या होता है कैपिटल मीन्स दैट इज इक्विटी प्लस डेट दैट मीन्स ई प्लस डेट यही होता है कैपिटल इम्प्लॉड अगर हम इक्विटी को ब्रीफली पढ़ें तो इक्विटी में क्या कहेगा इक्विटी शेयर भी आएंगे प्रेफरेंस शेयर भी सॉरी इक्विटी शेयर आएंगे पी एंडल आएगा आपका आपका रिजर्व प्लस भी आएगा लॉन्ग टर्म डेट भी आ जाएगा यह सब भी होगा तो लेकिन हम इसको जो है दूसरे मेथड से निकालेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरा मेथड क्या आपको देखिए जैसे तो टोटल एसेट्स माइनस करंट डाइबिटीज समटाइम्स क्या होता है जब, को जब कोई भी इंडिविजुअल वैल्यूशन ऑफ शेयर करेगा तो हो सकता है कुछ एसेट्स में कुछ री वैल्यूड हो जाए हो सकता है कुछ एसेट्स की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाए कुछ एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप हो जाए या डाउन हो जाए कुछ भी हो सकता है करंट डाइबिटी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए कुछ भी हो सकता है तो इसलिए हमेशा हम जो है यही मेथड फॉलो करके चलेंगे दैट इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबीज मीन्स मोस्ट केसेस में हम ये लेके चलेंगे राइट अच्छा मेक श्योर टोटल एसेट्स में हमारे फिट्टीशियस एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी फिट्टीशियस एसेट्स आपको पता है उसकी कोई मार्केटेबल वैल्यू होती नहीं है और इन्वेस्टमेंट क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने क्या बोला यहाँ पर कैपिटल इनपुट क्या होता है कि कौन कौन को, की कोई भी कंपनी जो है अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रही है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है दूसरे दूसरे के कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो इससे होने वाली इनकम या इन्वेस्टमेंट उसको हमें दिखना ही नहीं है राइट तो फिट्टीशियस एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एसेट दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट्स राइट चलिए अब देखिए हमने क्या देख लिया हमने देख लिया हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल इम्प्लेड लेकिन अभी भी हमारा एक रह गया दैट इज हाउ टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग ये भी रह गया तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग का दूसरा नाम आपका? Future maintainable profit. गा गा year, लगा, profit क्या आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और ये कैसे निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ईयर देखिए हम क्या निकाले ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर हम पता लगाना चाह रहे हैं कि फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट क्या होगा तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए मान लीजिए टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी में इतना प्रॉफिट हुआ ट्वेंटी वन में इतना प्रॉफिट हुआ ट्वेंटी टू में इतना प्रॉफिट हुआ अब हमें पता लगाना है टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में कितना प्रॉफिट होने वाला है राइट तो कैसे निकालें देखिए आपको याद होगा हमने गुडविल चैप्टर पढ़ा था गुडविल की चैप्टर हमने पढ़ा था सिंपल एवरेज पढ़ा था हमने एंड वीडिड एवरेज पढ़ा था हमने दो एवरेज पढ़ा थे और मैंने आपको उस टाइम पे डिफरेंस भी बताया था राइट तो देखिए वेटेड एवरेज तब लगाते हैं जब कोई किसी भी डेटा में जो ट्रेंड मौजूद हो और देखिए यहाँ पर ट्रेंड आपका देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट जो ईयर बाई ईयर इंक्रीजर है तो दैट मीन्स एक ट्रेंड है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज लगाएंगे अगर कोई ट्रेंड नहीं होता दैट मीन्स मान लीजिए पहले एक लाख था फिर डेढ़ लाख हुआ और फिर क्या हुआ दोबारा से क्या हुआ एक बीस हो गया तो फिर हम सिंपल एवरेज है, लगाते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है आपका एक ट्रेंड मौजूद है तो इसके लिए हम क्या करेंगे वेटेड एवरेज फॉर्म लगाएंगे तो वेटेड एवरेज देखिए किस लेंगे वन लाख इंटू वन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू टू टू लैख इंटू थ्री डिवाइड बाई टोटल बेट्स कितने सिक्स हो गए तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी वन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन राइट तो ये आपका क्या हो गया प्रॉफिट आ गया आपका कौन सा ईयर का टू थाउजेंड का तो ये आपका क्या गया? ये आ गया ये प्रॉफिट आ गया यानी इतना आप एस्टिमेट कर सकते हो राइट चलिए ये तो हमने देख लिया कि कैलकुलेट कैसे करना है लेकिन मेक श्योर क्लास जो हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं ये प्रॉफिट कौन सा चाह आना चाहिए ये आना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आई रिपीट हमें जो प्रॉफिट निकालना है प्रॉफिट कौन सा निकालना है प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अब आपके माइंड में कुछ ना कर सर ऐसा क्यों देखिए प्रॉफिट तो देखिए ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स होना चाहिए उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन आपको पता है हम क्या निकालना चाह रहे हैं कैपिटल इनपुट अभी हम निकाल दू और कैपिटल इनपुट क्या पड़ा था, हमने इक्विटी प्लस डेट यानी कंपनी अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रही है तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट होगा अब वो अभी तो किसका पार्ट है ठीक है तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट लेना है वो लेना है हमेशा बिफोर डिवेंचर बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड बिफोर ट्रांसफर टू तो जनरल रिजर्व किसी किसी बुक में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो इसको आप ध्यान से करेक्ट कर लेना राइट याद रखना इसमें हमें जो है एक्सक्लूड क्या करना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑब्वियसली वो अपने बिजनेस में तो इन्वेस्ट किया नहीं है वो दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे अगर कोई इनकम इंक्लूड है तो ध्यान से फिर से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको गिवन होगा आप पहले डिवेंचर इंटरेस्ट माइनस करोगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा टैक्स माइनस करोगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा फिर ट्रांसफर टू तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपके हाथ में क्या आता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट अब देखिए हमें क्या चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेपरिस बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट राइट बिफोर प्रेफरेंस डिट एंड बिफोर ट्रांसफर टू जर्नलिज्म यही चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे जब ये आपके पास आ जाएगा दैट इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स राइट तो इन सबको हम ऐड क्या करेंगे ये भी एड कर देंगे ये भी ऐड कर देंगे और ये भी ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिवेंचर इंटरेस्ट बिफोर ट्रांसफर टू जर्नलिज्म प्रेफरेंस डिविडेंट राइट चलिए नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान से देखिए असटेन द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जॉन इंजीनियर ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च 2023। आपको शेयर होल्डर्स फंड गिवन है सिक्सटी इक्विटी शेयर्स और रुपीज ईच रिजर्व एंड आपको गिवन है वन लॉन्ग टर्म बोरिंग गिवन है आपको टेन दैट इज वन ट्रेड पेबल गिवन है एसेट्स गिवन है इंक्लूडिंग गुडविल अमाउंटिंग रुपीज टेन लैक आगे लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द एसेट्स इज दर्सेंट हायर होगी अच्छा यानी कि जो टोटल एसेट्स है यानी कि दस लाख इसका आधा करें दैट मीन पांच लाख वो बीस परसेंट बढ़ राइट तो वो पांच से छह लाख रुपए होगी राइट आगे लिखा है द कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ थ्री लाख थाउजेंड

और अर्निंग कैपेसिटी का फॉर्मला क्या पड़ा था हमने एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग मल्टीप्लाई बाय पेड ऑफ वैल्यू शेयर्स पेड ऑफ वैल्यू शेयर्स आपको गिवन है थर्टीज रुपीज टेन कोई दिक्कत नहीं है नॉमल गार कोई दिक्कत नहीं है अब क्या चाहिए आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग राइट अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मला क्या होता है आपका फ्यूचर मेंटेनेबल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड टू में हंड्रेड राइट अब हमें क्या चाहिए फ्यूचर में प्रॉफिट भी चाहिए बिकॉज आपको जो ये इसमें हमें कुछ करेक्शन करनी होगी राइट right? और कैपिटल दैट इज इक्विटी प्लस डेट और हम कैसे निकालेंगे ऑन बेसिस ऑफ नेट एसेट क्योंकि एसेट में इंक्रीज हुआ है तो उसके भी कैलकुलेशन होगी ध्यान से देखिए देखें पर क्वेश्चन आपका ये फॉर्मुला होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मला होता है तो पहले हम देख रहे हैं दैट मीन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉपर कैसे निकालेंगे देखिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स कितना मिलने थ्री लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड इसमें से इस टैक्स मास् कर दो पचास परसेंट तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही हो गया और इंटरेस्ट और डिवेंचर को हम ऐड बैक करेंगे अच्छा यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं आएगा ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितना है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट दैट इज़ वन लैख नाइनटी एट थाउजेंड राइट ये क्या होगा आपके पास ये क्या होगा आपके पास दैट इज़ एक्सपेक्टेड अर्निंग या फिर फ्यूचर में प्रॉफिट इसको हमने यहाँ लिख दिया आपके चाहिए कैपिटल इंप्लॉयड हम कैपिटल निकालेंगे ऑन बेसिस ऑफ नेट एसेट तो देखिए सन एसेट्स कितनी टोटल तो एक लाख की एक लाख का अप्रिसिएशन हुआ था टोटल तो एसेट्स कितनी तो ग्यारह लाख की और इसमें से हमें इसके करंट लाइव माइनस करना है और करंट लाइव कितनी है एक लाख दस हज़ार तो बस वो माइनस कर देंगे तो आपके पास कैपिटल इनप कितनी नौ लाख नब्बे हजार वो मैंने यहाँ लिख दिया तो बस आपके पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कितना आ गया बीस परसेंट वैल्यू शेयर क्या था आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल फर्ड नहीं मल्टीप्ला नहीं तो आपके पास वैल्यूशन कितना आ गया सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा ईजी है बस आपका करना कैपिटल इम कैसे निकालना है आपको टोटल एसेट्स माइनस करंट डाइबिटीज राइट चलिए नाउ टू क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको गिवन है टू ट्वेंटी और रुपीज टैन एच टू लाख फिफ्टी थाउजेंड जर्नलिज गिवन है पी एन एल गिवनिडेंट फंड ट्रेड पेबल

ये गिवन है आपको आफ्टर टैक्स द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ गिवन आपको पंद्रह परसेंट आउट दी वैल्यू शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं सबसे सब पहले कैपिटल इम्प्रेट निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन सिक्स पर सबसे पहले हम देखें कैपिटल इम्प्रेट ध्यान से देखिए प्लांट की वैल्यू री वैल्यू होगी लैंड बिल्डिंग इन्वेंट्री ट्रेड रिसवेबल कैश ऑफ गिवन है टोटल असर कितनी होगी छः लाख अट्ठारह हज़ार की इसमें से हम क्या निकालेंगे हम करंट लाइबिटीज माइनस करनी है तो करंट लाइबिटीज यहाँ पर देखिए कौन कौन सी थी आपकी ट्रेड पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स राइट ट्रेड पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड वो भी गिवन था आपको तो वो भी माइनस कर देंगे तो ओवरऑल आपकी कैपिटल इम कितनी होगी पाँच लाख की होगी राइट अब निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ एस्टिटेड फ्यूचर रर्निंग अब आपको तीन साल का प्रॉफिट गिवन रहा था आपको ऑल आफ्टर टैक्स गिवन था तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि कोई ट्रेंड मौजूद नहीं था तो हमने करने का सिंपल एवरेज हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया राइट अब देखें यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैसे तो हमें चाहिए था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट राइट ये सब गिवन होता है लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर लिखा हुए से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब ये बिफोर इंटरेस्ट है या नहीं तो कुछ हमें पता ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें इसी को लेके चलेंगे पूरे एक लाख बीस हज़ार कैबिटल में होगी पाँच लाख तो एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी होगी चौबीस परसेंट वैल्यू शेयर किया था आपका एक्सपेक्टेड बाई नॉर्मल इन टू मई पेड्यू तो आपका वैल्यू कितनी पर सिंपल है आपका आपको बस इसमें यह ध्यान देना है कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट दैट्स इट नेट एसेट में टोटल एसेट्स में क्या नहीं आएगा आपका फिफ्टी सी एस नहीं आएगा मैंने देखो तो पर नहीं लिया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा एंड करंट आई बी सारे लेनी है राइट चलिए नंबर सेवन आपको गिवन है थ्री थाउजेंड इक्विटीज रुपीज़ हंड्रेड इच ये पेड ऑफ़ वैल्यू गिवन आपको तीन लाख हो गया आपको वन थाउजेंड ट्वेल्स परसेंट प्रेपरेशन गिवन है उसकी पेड ऑफ़ वैल्यू इतनी है वन लाख पी एन डल आपका गिवन है दो साल का एक तो ओपनिंग और एक करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन, गिवन है टोटल प्रॉफिट हो गया चार लाख रुपये का करंट लाइफे की टोटल वैल्यू गिविन आपको एक लाख दस हज़ार अच्छा इसमें प्रॉपर्टी प्लांट में डेप्रीशन है तो इतनी वैल्यू आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट गिवन आपको सिक्सटी फाइव थाउजेंड की जबकि फेस वाली कितनी है एक लाख रुपए की

तो ये गिविन आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर हैव शोन इंक्रीज अच्छा तीन साल से जो प्रॉफिट है हर साल जो है चालीस हज़ार बढ़ रहा है गुडविल गिवन गिविन आपको पचास हज़ार होगी और एज्यूम टैक्स को पचास परसेंट वैल्यू शेयर है तो पहले तो हम कैपिटल इनपुट निकाल लेते हैं वो ज़्यादा ईजी होगा और तो देखिए कैपिटल इनपुट निकाल देखिए प्रॉपर्टी प्लांट की वैल्यू कितनी होगी साढ़े चार लाख पहले कितनी थी तीन पच्चीस की थी और करंट एसेट के बने कितने की बने देखिए यहाँ पर पाँच लाख दस हज़ार इन्वेस्टमेंट तो मिलेंगे नहीं राइट और फिफ्टी से, से लेंगे नहीं तो पास दो क्या दो क्या बचा हमारे पास पास एक तो ये बचा और एक ये बचा बस राइट ये दोनों आएगा नहीं हमारे पास क्या आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड करंट एसेट फॉर दैकलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय तो ये हो गया और गुड भी मैंने पचास की करंट एलाइबिटीज में आपको क्या क्या है एक लाख दस हज़ार की बननेस कर दिया टोट करोड़ कैपिटना राइट अब निकालना हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेक्सपेक्टेड फ्यूचर लास्ट तीन साल से जो, जो है चार साल की एनुअली ग्रोथ हो रही है इस साल का प्रॉफिट कितना इसके बेसिप देखना है बच्चे चार लाख के हिसाब से करते हैं क्यों क्योंकि छब्बीस हजार जो ओपनिंग बैलेंस है तो हमें सिर्फ देखना है इस साल का मुनाफा कितना थ्री लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड उसी को लेकर चलना है तो देखिए इस साल कितना था थ्री लैख ट्वेंटी फोर तो उससे पीछे साल कितना होगा चालीस हज़ार कम कर दो उससे पीछे हज़ार चालीस हज़ार कम कर दो और हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या करेंगे वेटेड एवरेज की ट्रेंड है आपका तो बस वेटेड एवरेज की, की एवरेज आपका प्रॉफिट टैक्स कितना आ गया बिफोर टैक्स थ्री लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड ट्रिपल थ्री अब इसमें से इंटरेस्ट और इन्वेस्ट माइनस कर दो हर साल तो दस हज़ार माइनस हो जाएगा राइट और फिफ्टी परसेंट टैक्स माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया वन right? सिक्सटी ना एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवन, राइट अब कैपिटल अर्निंग इसमें से दो डिवाइड कर दोनिंग वैल्यू शेयर निकालो एक्सपेक्टेड बाय नॉर्मल इनटू मई पेड वैल्यू तो आपके पास वैल्यू शेयर कितनी आगे वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट चलिए नाउ वो मीटो क्वेश्चन नाइन एट सॉरी फॉलिंग पर्टी गिवन आपको इक्विटी शेयर गिवन आपको ट्वेंटी थक्विटी शेयर टेन फोली गिवन आपको टू इक्विटी शेयर टेन एच रिजर्व प्लस एक्सटर्नल एबिटीज क्रेटर्स बिल्ल पेबल आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन आपको इयर बे दंपनी फिफ्टी सेवन ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम सरप्लस इन दिन दर्सेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स

यहाँ पर आपको गिवेन है आपको इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है वो दो लाख का रिजर्व सर प्राइस गिवेन है तीस हजार का आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो इक्विटी गिवन गी आपको दो लाख का और उसका रिजर्व गिवन आपको तीस हजार माइनस कर दो नेट एसेट कितनी आएगी टू लाख एट्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड बस नंबर ऑफ शेयर डिवाइड बाय दी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं देखिए यहाँ पर इक्विटी कितने हैं यहाँ पर बीस हजार रुपए के हैं तो बस उसे डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू अवेलेबल कितनी आ गई हुई दैट इज इलेवन पॉइंट फोर टू अर्निंग हिल मेथड से निकालेंगे हम गालेंगे यहाँ पर अच्छा अर्निंग हिल मेथड में आपको ध्यान देना कि अर्निंग हिल मेथड में कौन सा फॉर्म कौन सा मेथड यूज करें क्योंकि अर्निंग में हमने दो तो मेथड देखे हैं एक तो डिविडेंड मेथड और एक देखा हमें अर्निंग कैपेसिटी मेथड राइट आप कौन सा मेथड फॉलो करें ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको जो गिवन है आपको देखिए अगर आप कैपेसिटी मेथड पर जाते हो तो क्या कैपेसिटी मेथड में आप जो है कैपिटल इनपुट निकल पाओगे नहीं पॉसिबल ही नहीं है अच्छा फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट तो गिवन है कोई दिक्कत नहीं फिफ्टी सेवन थाउजेंड कीवन है बट आप कैपिटल इनपुट निकाल सकते तो देखिए यहाँ पर देखिए किससे निकालना आप सिंपल फॉर्म निकालोगे अर्निंग यानी कि डिविडेंड वाला राइट तो डिविडेंड वाले से कितने निकालते हैं पहले प्रॉफिट यहाँ पर देखिए फिफ्टी सेवन थाउजेंड का प्रॉफिट गिवन है दस परसेंट जर्नलिसमेंट में ट्रांसफर कर दो और प्रिफेंशियल मांस कर दो तो बचा हुआ सारा प्रॉफिट किसके लिए हुआ इक्विटी शेयर होल्डर का कितना हुआ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना होता आपका दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय द इक्विटी शेयर कैपिटल इन टू हंड्रेड तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा थर्टीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट सिक्स फाइव वैल्यू पर शेयर कितना होगा आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिटेन बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू तो टोटल आंसर कितना होगा आपका वैल्यू पर शेयर थर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव इसमें देखिए एक और मेथड करते हैं वैल्यू मेथड आपको बताता है मैंने वैल्यू मेथड कहता है एवरेज ऑफ एंट्रेंसिंग प्लस येड ये फॉर्मला हो गया तो फेयर वैल्यू मेथड से आपका ये आंसर आ जाएगा चलिए ना मोमिन क्वेश्चन बनाई शेयर कैपिटल गिवन आपको तीन लाख रुपए का जर्नलिजम गिवन है पीनल गिवन है सेंट्रल गिवन आपको लैंड बिल्डिंग मशीनरी इंटेंजिबल इन एसेट्स इन्वेंटरी

लैंड बिल्डिंग इतनी है गुडविल इतनी है प्लांट एंड मशीन इतनी है डेटर्स इतने हो गए प्लांट एंड ट्रेड मार्क इतना हो गया इमटरेस्ट इतना हो गया कैश इतना हो गया हम इंट्रेंस निकाले इंट्रेंसिंग स्कैन निकालें याद है भूल गए आप इंट्रेंसिंग नेट मीस मेथड दैट मीस एट द टाइम ऑफ रिकेशन कंपनी कितना पैसे देगी तो सारे एसर्ट्स को रिलायंस करेगी तो हमने सारे एसर्ट्स की मार्केट वैल्यू ले ली राइट ये सब एड कर दिया और करंट एविटिस माइनस कर दिए तो आपके ऊपर कितनी होगी सात लाख अस्सी हज़ार इसको डिवाइड कर करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके तीन हज़ार रुपये हो गए तो आपकी वैल्यू शेयर एज़ पर इंटरेस्ट कितनी होगी दो सौ साठ गए आपके अब ये मेथड में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेंगे यहाँ पर अगेन यहाँ पर देखिए हमने दो मेथड पढ़े थे एक तो पढ़ा था हमने डिविडेंड और एक पढ़ा था अर्निंग कैपेसिटी अर्निंग कैपेसिटी पॉसिबल नहीं है तो हम डिविडेंड लेके चलेंगे क्योंकि कैपिटल वोट निकाल नहीं सकते तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिविन आपको राइट तो हमने ये निकाल लिया राइट एक्सपायरी रेट ऑफ डिविन कितना होगा एक लाख का और यहाँ पर देखिए डिविडेंड किस पे बांट रहे हैं यहाँ पर हम टोटल शेयर कैपिटल कितने तीन लाख रुपए की है तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविड कितना हुआ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट वैल्यू शेयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड बाय नॉर्मल इंटोमीपेड ऑफ वैल्यू तो आपके पास टोटल वैल्यू शेयर कितनी आ गई ट्रिपल थ्री रुपीज राइट सो सजेन दिस इज द ऑल अबाउट दैट इज वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग एल्ड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल थैंक यू